Hey guys and welcome back to again my YouTube channel. This is Rishabh and welcome back to another video. और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल माउंटेन सिनेमा में. और हम हैं ऋषिकेश के रामझूला ब्रिज पर और देख लीजिए ये है पीछे ऋषिकेश में रामझूला ब्रिज. और अभी हम लोग वॉक करते हुए जाएंगे. जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं जो माँ गंगा है उसके इस तरफ हूँ और अभी हम लोग पीछे रामझूला ब्रिज पर वॉक करते हुए जाएंगे गोवा बीच में. और गोवा बीच जो है काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि गोवा बीच से जो माँ गंगा का नज़ारा है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा लगता है. और इधर की तरफ तो आपके सामने नज़ारे खूबसूरत हैं. परमार्थ निकेतन में आरती का कार्यक्रम लगभग किया जा रहा होगा क्योंकि शाम के 5:30 का समय हो चुका है. तो परमार्थ निकेतन में जो आरती का कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो चुका होगा. ठीक उसी के सामने भी अनेक अनेक घाट हैं जहाँ पर शाम के समय माँ गंगा की जो आरती का कार्यक्रम है वो किया जाता है. और अभी जैसे कि ऋषिकेश में आज संडे है, 15 अगस्त का दिन है, तो ऋषिकेश में क्या है कि भीड़ वगैरह काफ़ी मात्रा में है और रोड पर टूरिस्ट ज़्यादा मात्रा में हैं. तो अभी बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करेंगे और वॉक करते हुए चलते हैं सीधा. मेरे पीछे आप लोग देख लीजिए, वॉक करते हुए अभी हम लोग चलेंगे सीधा रामझूला ब्रिज से होते हुए गोवा बीच और वहाँ पर जाके आपको दिखाते हैं वहाँ के खूबसूरत नज़ारे, क्या सीन है वहाँ पर जाने का. और अभी हम लोग जैसे कि मैंने गाड़ी वगैरह तो पार्क कर दी है, आप लोग उस तरफ पार्क कर सकते हैं. उस तरफ अगर आपको जाना है तो आपको अपनी बाइक जानकी सेतु से लेके जानी पड़ेगी. रामझूला से होते हुए भी आप लोग जा सकते हैं लेकिन जानकी सेतु ज़्यादा बेस्ट वे है क्योंकि वहाँ पर बाइक के लिए अलग से वे बना हुआ है. तो अभी चलते हैं सीधा की तरह और आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कितनी ज़्यादा मात्रा में भीड़ है. और इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल साथ में जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए. मिलते हैं इस टाइप की वीडियो में और अभी चलते हैं सीधा बीच पर. तो दोस्तों ये है कुछ यहाँ का नज़ारा और सामने से मैं आप देखिए कितना अच्छा मेरे को व्यू दिख गया है. और ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा सूरज और नीचे की तरफ उसकी रेज गंगा नदी में पड़ती हुई. और दोपहर का तो ये नज़ारा है गोवा बीच का. और आप लोग देख लीजिए जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि जो गंगा नदी का जो बहाव है वो काफ़ी डीपली चल रहा है और कहाँ तक आ चुका है. और ये देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग यहाँ पर नहा भी रहे हैं लेकिन जो बहाव है तेज़ है. और आप अभी हम आगे की तरफ भी जा सकते हैं लेकिन आपको इधर से माँ गंगा के दर्शन करा देते हैं फिर उसके बाद उधर की तरफ जाने के बारे में सोचेंगे. तो ये है कुछ नज़ारा देख लीजिए आप. तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गोवा बीच पर और जैसे कि मैंने आपको यहां से खूबसूरत नज़ारा दिखाया गोवा बीच का. और देखिए मैं बिल्कुल माँ गंगा के पास खड़ा हूं और यहां पर जो माँ गंगा की लहरें हैं वो किस तरह से एकदम पास आ चुकी हैं. आप लोगों ने कभी यहां पर आए होंगे तो देखा होगा कि यहाँ तक जो माँ गंगा का जल स्तर है वो नहीं आया था. और इस तरफ भी आप लोग देखिए कि जो माँ गंगा का जल स्तर है वो यहाँ तक नहीं आया था लेकिन 3-4 दिन से ऋषिकेश में बारिश हो रही है तो माँ गंगा का जलस्तर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुका है. पीछे ये नज़ारे हैं आप लोग देख लीजिए खूबसूरत नज़ारे. और आसपास में जो बोटिंग है वो भी बंद है ऋषिकेश में. बहाव ज़्यादा होने से जो बोटिंग होती थी वो भी बंद हो चुकी है. और खूबसूरत तो है यहाँ के नज़ारे. इस तरफ आप लोग देखिए कि टूरिस्ट कितनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर आ रखे हैं. पीछे की तरफ आप लोग देख रहे होंगे आप लोग सारी टूरिस्ट हैं जो इन्जॉयमेंट कर रहे हैं अलग अलग वे में. और इस तरह पूरी मरीन ड्राइव है और यही वाला जो आपका वे है ये आगे जाता है आपका लक्ष्मण झूला ब्रिज पर. और लक्ष्मण झूला जो ब्रिज है वो बंद है कंस्ट्रक्शन के कारण. शायद वहाँ पर एक नया ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नया ब्रिज का निर्माण हो रहा है वहाँ पर. तो अभी जिस कारण जो है लक्ष्मण झूला ब्रिज को बंद कर रखा है. फिलहाल आप लोग लीजिए यहाँ के खूबसूरत नज़ारों के मज़े. और आगे की तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो उस तरफ टूरिस्ट हैं और बीच वगैरह पड़ते हैं आगे की तरफ, तो हम लोग आगे की तरफ नहीं जा रहे हैं. फिलहाल आपको यहाँ से दिखा देता हूँ और आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर लोगों ने प्लास्टिक की जो बोतलें हैं वो यहाँ पर कितनी ज़्यादा फेंकी हुई हैं और अलग अलग कूड़ा कबाड़ा यहाँ पर फेंक रखा है. तो अगर आप लोग ऋषिकेश आएँ तो प्लीज़ यार अपने कूड़े को डस्टबिन वगैरह में फेंकें. इधर की तरफ आप लोग देख लीजिए ये सामने के समय ये सारा कूड़ा वगैरह यहाँ फेंक रखा है. और इस तरफ माँ गंगा है और इस तरफ इन्होंने सारा कूड़ा वगैरह फेंक रखा है. और ये हैं कुछ खूबसूरत नज़ारे यहाँ पर.
ये देख लीजिए आप लोग। और थोड़ी देर में शायद जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं राम झूला ब्रिज, और रात होने वाली है तो लगभग एक घंटे में जो है सूर्य अस्त हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है इसकी जो लाइट है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी, तो नाइट का जो व्यू है वो और भी ज़्यादा अच्छा है ऋषिकेश में राम झूला ब्रिज का। और ये है कुछ खूबसूरत नज़ारे यहाँ पर आप देख लीजिए, और पीछे आप लोग देख पा रहे हैं इस तरफ से जो रोड जाती है वो पूरी की पूरी आपको लक्ष्मण झूला छोड़ देगी। ऑटो वगैरह चल रहे हैं लेकिन रोड पर ट्रैफिक ज़्यादा है, तो और सारी बाहर की गाड़ियाँ हैं, और 15 अगस्त है आज तो ट्रैफिक इसलिए हो रहा है क्योंकि हॉलीडे वगैरह पड़ा हुआ है आज, और कल संडे था और आज मंडे है, तो इसलिए 2 दिन की छुट्टी होने से ट्रैफिक हो चुका है। तो ये है यहाँ के खूबसूरत नज़ारे आप लोग देख लीजिए, और पूरे पूरे जो आपको पहाड़ हैं वो पूरे अच्छे और साफ़ नज़र आ रहे होंगे बारिश के कारण। देख लीजिए ये पूरे पूरे जो पहाड़ हैं अच्छे साफ़ हो चुके हैं। और हालांकि जैसे कि इस तरफ अगर आप जाएंगे शिवपुरी से होते शिवपुरी ब्यासी की तरफ तो लैंडस्लाइड हो रहा है क्योंकि बारिश के कारण लैंडस्लाइड होता है, तो पहाड़ खिसक रहे हैं, तो अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो अपनी सेफ्टी के साथ जाएं, और लैंडस्लाइड तो क्या हो रहा है यहाँ पर, तो अपनी सेफ्टी के साथ ज़रूर जाएं यहाँ पर। तो ये था आज की वीडियो में जिसके अंदर मैंने आपको गोवा बीच, माँ गंगा और पीछे राम झूला ब्रिज के दर्शन कराए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो यार वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आपका सपोर्ट चाहिए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में जो मेरा चैनल है माउंटेन सिनेमा उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर गंगे और हर हर महादेव, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग।